सो हेलो गाइस, वेलकम बैक द न्यू अदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको विंडो एसी के कनेक्शन के बारे में नहीं पता है, स्टेपलाइजर के साथ कैसे होते हैं, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा इसमें कैसे जो है वो कनेक्टर के साथ कनेक्शन किए जाते हैं और आप जो है इसको उसके साथ कैसे चला सकते हो। तो गाइस देख सकते हैं, एसी की जो वायर होती है वो ये होती है, देखिए। तो गाइस इसमें तीन तारें होती हैं और इसमें जो है सप्लाई किन किन तारों में दी जाती है। तो गाइस सबसे पहले जो है हमारी ये फेस की आती है सप्लाई, जिससे जो सप्लाई जाती है, और न्यूट्रल की होती है जिससे जो सप्लाई वापस आती है, और तीसरी तार जो गाइस होती है ये अर्थ की होती है। जैसे जो हमारे कोई भी इक्वायरमेंट में चीज़ चलती है तो उसमें जो है ऑलमोस्ट करंट आता ही है, तो वो करंट बॉडी में ना आए इसलिए जो ये तार जो है वो लगाई जाती है। तो इसलिए जो है हम तीन तारों का इस्तेमाल करते हैं इसको चलाने के लिए। तो गाइस अब इसको लगाना कैसे है वो इसमें आपको दिखाता हूँ। तो बस ये हमारा आ गया माइक्रोटेक का स्टेपलाइजर, ये देख सकते हैं गाइस, इसकी जो है लीड यहाँ पे पावर पे लगती है। तो गाइस आपने करना क्या है, इसके जो है साइड पे जो है एक कनेक्टर लगा होगा और इस पे जो है इसकी तार वायर जो है यहाँ पे लगेगी। तो गाइस आपने कैसे जो है इसको जानना है कि कौन सी तार कहाँ पे लगेगी। तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया है कि बताया है कि ये जो है एल वाली होती है हमारी फेस, और ई वाली होती है अर्थ, और एन वाली होती है हमारी न्यूट्रल, यानी कि इधर से सप्लाई जाएगी और इस साइड से जो है सप्लाई वापस आएगी, और ये जो अर्थ होती है ये करंट के लिए होती है, यहाँ पे जो है करंट पास ना हो। तो भाई इसी तरह से हमने जो है इसके स्क्रू को खोल लेना है, देखिए भाई, और करना क्या है, ये हमारी तीन तारें आ गई वो वैसे ही वाइज आपने सबसे पहले क्या करना है, इस वायर को जो है इसमें से डालकर, और उसके बाद जो है स्विच कर देने हैं। तो वैसे इसको ऐसे हिला के देख सकते हैं, कई बार जो है चीज ढीली रह जाती है वायर और बाहर निकल आती है। तो गाइस उसके बाद क्या करना है, आपने अर्थ की तार डालनी है, ई का मतलब गाइस अर्थ होता है। तो गाइस इसको भी कुछ इस तरह से जो है आपने और गाइस उसके बाद इसको भी कस देना है। और गाइस हमारी थ्री तार जो है लास्ट वाली वो हमारी वापस जाएगी न्यूट्रल, और उसको भी है इसी तरह से आपने अंदर डाल के अच्छे से इसको अंदर को कर देना है, और उसके बाद नट को कस देना है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं, काफ़ी ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो गाइस हम अब जो है एसी को लगा के देखेंगे। तो गाइस हमने करना है अभी ऑन, तो गाइस देख सकते हैं इस पे जो है नंबरों की काउंटिंग आ चुकी है। तो गाइस देख सकते हैं उस पे जो है हमारी एसी ऑन हो चुका है, रिमोट से इसको ऑन करते हैं, उधर जो है सप्लाई पहुंच चुकी है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा एसी जो है अभी ऑन हो चुका है। तो ये गाइस ये और जनरल का एसी है, काफ़ी हैवी डक्ट है ये और अच्छी कूलिंग कर देता है, मुझे जो है ये आधे घंटे में पूरा चिल कर देता है, और उसके बाद जो है मुझे ये बंद करना पड़ता है। तो वैसे मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने जो है न्यू परचेज करना है तो आप जो है और जनरल को परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसकी जो है डिमांड भी काफ़ी है, और इसका जो प्राइस है वो आपको ऑलमोस्ट जो है 35 या 40 के अराउंड जो है पड़ जाएगा। तो वैसे काफ़ी अच्छी जो है इसकी कूलिंग भी काफ़ी अच्छी है, लाइक जैसे आप लोएड का एसी अगर यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि कूलिंग का असली मतलब क्या होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है जिस कमरे को जो है कूल कर देता है।
इसलिए जो है उसके मुकाबले में ये ओरिजिनल कंपनी का एसी ज़्यादा कामयाब है। तो वैसे अभी आपने देख चुके होंगे हमारा एसी चल चुका है, देखिए, और हमारी वोल्टेज वो निकाल रहा है, हमारा 237 निकाल रहा है, इनपुट है हमारी 238 निकाल वो 238 है। तो वैसे इसी तरह से है, आपका अपने घर पे भी जो है कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, आपको जो मैं उसका सलूशन बताऊंगा। तो वैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना।